నీతి పరిగలకిలే కే నితిజే ఓరా నీతి పరిగలకిలే ఆరే రాతే अरे छपरा में दारू पी के लोग मर गया है तो मुआवजा मांग रहा था कहीं के कारण इनका हार्ट अटैक कैसे रहेंगे अरे दारू पी के हार्ट अटैक हो गए अरे नीतीश जी हमारे चाचा लगते हैं अरे आप मुआवजा कहाँ से मिलेगा नीतीश जी तो मर गए तो आप कोई दूसरा होगा तो ना मुआवजा देगा अरे आप भी जाके देखिए ना अभी जाके देखिए हमको ऐसी लोर गिर रहा आप कान के देखिए तो अरे आपको मर जाएगा तो कर नहीं कर अरे ओरिजिनल बात है अरे 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 इन लोग हटा दीजिए अरे नीतीश बाबू मर गए रातें दारू पी के मर गए रातें दारू पी के अरे नीतीश चाचा मर गए दारू पी के रात हार्ट अटैक आ गया ये भैया नीतीश चाचा हमारे केस सरकार अब चलाई हो दादा नीतीश चाचा हमार मर गए अरे हार्ट अटैक आ गया दारू पी ले रहा हो दादा नीतीश कुमार मर गए लेकिन नीतीश कुमार पी रहे हैं नीतीश कुमार दारू पी रहे हैं नीतीश कुमार मर गए अरे काहेला रो रहे हैं हमारा मर गया चाचा आप लोग लगाए हुए माल हमारा अच्छा नहीं लगता। देख रहे होंगे शराबबंदी के खिलाफ यहाँ पर अभी नीतीश कुमार का सब दाह हो रहा है और यहाँ पर अभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पुतला जलाया जाए। बिहार कैसे चलते हो रहा ना अरे नीतीश जी हम चल गए दारू पी के रहते चल गए इसको नीचे हाथ में पकड़ो देखिए नीतीश कुमार जी का अरे उनका बोल भी गया हुआ अच्छा 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 देख रहे होंगे यहाँ पर नीतीश कुमार हाय हो दादा हर गली गली में दारू मिल रहा है हर अगल बगल में दारू मिल रहा है होम डिलीवरी से भी दारू मिल रहा है हर घर में दारू मिल रहा है इसीलिए नीतीश चाचा हमारे दारू पी के रात में मर गए हो दादा हार्ट अटैक हो गया उनको बचाइए दादा मर गए नीतीश कुमार ठोको रात जन्म हुआ 6 दिन हुआ है उसका पिता मर गया दारू पी करके एक बूढ़ी है 80 वर्ष का उसका बेटा मर गया अरे उसको कहते हैं इस्तीफा दो नीतीश कुमार जी इस्तीफा दो तुमसे बिहार चलने वाला अब नहीं है ज्यादा उम्र हो गया इसलिए इस्तीफा मांग हम तो वैशाली जिला अध्यक्ष है भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार अच्छा माली है अच्छा ये अर्थी किनका ले जा रहे हैं नीतीश कुमार जी का है क्यों अरे दारू पिए हुए थे ना थे कहते हैं कि शराब बंदी है अच्छा शराब बंदी नहीं है नीतीश कुमार मुर्दाबाद पृथ्वी माली जिंदाबाद नीतीश कुमार का नीतीश कुमार जी अरे मर गए कैसे मर गए अरे दारू पी लिए वही तो दारू बंद करवाए अरे सुनिए दारू बंद करवाए तो कैसे अरे सुनिए सुनिए अरे छपरा में जो 80 लोग मर गया तो कैसे मर गया कैसे मर गया तो आप नहीं जानते हैं अरे दारू पी के मर गया और उसी के स्वर्ग में नीतीश कुमार मर गए अरे बाप रे चाचा जी दारू नहीं पीते हम तो वैशाली जिला से आए हैं कोई समस्तीपुर से आए हैं कोई नालंदा से आए हैं कोई भोजपुर से आए हैं कोई गया से आए हैं अरे तो मरेंगे ना तो जिएंगे ये कहते हैं दारू पिए के मरेगा तो ये जिएंगे और तो मुआवजा ही देने वाला है इसको तो हार्ट अटैक अपने हो गया भाई मुआवजा के कारण ये कहा जो मुआवजा लेगा धरना प्रदर्शन करेगा तो इसी के लिए पुरानी इनका निकल गया दारू बंद कर दिए तो लोग पिएगा कहाँ से बताइए आप हमसे पूछते हैं तो दारू बंद है दारू मिलता है नीतीश जी बनवाते हैं अपने पार्टी को खड़ा करके आप जैसा मेरा जैसा इनका जैसा सब आदमी को दारू को ठीका दे करके घरे घरे होम डिलीवरी करके अर्थी बेसिकली अर्थी के अंदर पुतला है और इस पुतले का दहन करना है और ये लोग चलकर
देख रहे होंगे यहाँ पर नीतीश कुमार का अर्थी पुतला के रूप में लाया गया है इनकम टैक्स के पास, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये बीपीपी पार्टी बता रहे हैं, ये नेता पृथ्वी माली इसके नेता है, और यहाँ पर नीतीश कुमार के अर्थी जमीन पर रखकर ये क्या करना चाह रहे हैं, जरा इनसे पूछेंगे और बात करेंगे। भारतीय जन परिवार पार्टी बीपीपी दारू पीने से यहाँ पर नीतीश कुमार के शव यात्रा को अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की जा रही है, जो कार्टून के रूप में है, और तमाम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। दादा पीछे, दादा वो कहाँ जा रहे हैं? दादा पीछे। अरे हम जा पीछे अजब, यहाँ पर देख रहे होंगे अजब दृश्य बन गया है इनकम टैक्स के पास। पुतला के रूप में नीतीश कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है भारतीय परिवार, भारतीय जन परिवार पार्टी द्वारा। मुखाग्नि दी जा रही है। ए पीछे हटो, पीछे हटो, आग लग रहे। भैया 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 पीछे आइए ना। जिसके अध्यक्ष जो हैं, जिसके जो अध्यक्ष हैं पृथ्वी कुमार माली, और ये भारतीय जो सनातन जो धर्म है ठीक उस तरह से परिवारिक एक नाट्य तरीके से जब लोग कोई मरता है तो जिस तरह से रोते हैं लोग, ठीक वैसे ही ये लोग रोते बिलखते हुए नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं ये कहने की साबित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये एक संकेत दे रहे हैं। हार्ट अटैक आ गया हो दादा, दारू पीले रहा रात उनका हार्ट अटैक हो गया हो दादा, दारू पीले, हाँ दारू पीले रहा था नीतीश कुमार मुंह ना हो दादा, दारू पी के हो दादा, ये चलाई सरकार वा हो दादा, दारू बंद है लेकिन पीछे से दारू मिल रहा है ब्लैक। अरे छपरा में दारू पी का लोग मर गया है तो मुआवजा मांग रहा था, बहनी के कारण क्या हुआ? हट जा, हट जा। कैसे 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 कै
से आप हम कैसे रहेंगे? अरे दारू पी के हार्ट अटैक हो गया। अरे नीतीश जी हमारे चाचा लगते हैं। अरे बाप रे, अरे झूठ के कहते हैं कि दारू बंद है, इनका तो नाम है पलटू चाचा। बिहार हो गया, ये दौड़ के जाते हैं माननीय तेजस्वी जी के यहाँ। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी नहीं मिलेगा, घर वाले बेच रहे हैं। अरे वो बोल रहे हैं तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे आप मुआवजा कहाँ से मिलेगा? नीतीश जी तो मर गए, तो आप कोई दूसरा होगा तो ना मुआवजा देगा? अरे होगा तो जवान में तेजस्वी यादव जी हैं, और उसको बाद पृथ्वी कुमार माली है, उसको बाद मतलब कि चिराग पासवान जी है। एक समय था लालू यादव, ओकरा बाद नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये लोग मिलके सरकार चलाए। अब मौका दीजिए भारतीय जन परिवार पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली है, उनका दीजिए। अरे आप भी जाके देखिए ना, अभी जाके देखिए, हमको ऐसी लोर गिर रहा, आप कान के देखिए देता नहीं, आपको मर जाएगा तो कर लेंगे। अरे ओरिजिनल बात है, अरे अरे ये लोग हटा दीजिए, हमारा मर गया चाचा, आप लोग लगाए हुए माई, हमारा अच्छा नहीं लगता। नौटंकी कार तो वो है, रू जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बिहार कम से कम सुधर जाएगा। बिहार को जनता को दारू नहीं मिलेगा तो जहार बिहार के जनता शुद्ध हो जाएगा ना जी। बोलते हैं कि दारू बंद है, सुनिए मेरी मांग है, मुआवजा उनको देना पड़ेगा, नहीं तो उनको जनता 2024 में पहला मूलधन मालूम नहीं है आप लोगों का। नीतीश कुमार जी मर गए हैं, देखिए मारिएगा। क्या जहरीली शराब पिए हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल जहरीली शराब पीकर ये हुआ है, वो भी पिए हुए हैं। कुल्लम बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, न जाने प्रशासन क्या कर रहा है। झूठ मूठ का नियम कानून बना के रखा है, झूठ मूठ का नीतीश कुमार कुछ भी बोलते हैं। उनका शराब बंदी का कौनो मक्स ये नहीं है, बंदी बिल्कुल ही फेल है, इस बिहार में बिल्कुल ही फेल है। हर जगह नकली शराब बनाया जा रहा है और सीधे साधे लोगों को लोग कंज्यूम कर रहे हैं और अपना जान खो रहे हैं। प्रशासन इसमें थोड़ा सा भी इनको रोकने का, इनको होल्ड करने का कोई मकसद नहीं है। नीतीश कुमार का जो भी पुलिस है सिर्फ और सिर्फ घटिया शराब बेचने वालों के मदद में लगी हुई है और कुछ नहीं, तो जिंदे है। इससे इनको इलीगल पैसा इनकम होता है और ये अपना शासन तंत्र में इन्वेस्ट करते हैं, यही कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। अरे तो जिंदा है यार, तुम लोग बोला मर गया। अरे दौड़ के भाजपा में जाएंगे तो कहेंगे कि सुना ना,